प्यारे साथियों, अपने इस माहिनी चैनल पर आपने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य पंचवटी का पहला भाग सुना, जहां आपने देखा कि राम तथा सीता कुटिया के अंदर सोए हुए हैं तथा वीर लक्ष्मण कुटिया के बाहर हाथ में धनुष बाण लिए अपने भाई भाभी की रक्षा में जाग रहे हैं। तभी लक्ष्मण के समक्ष एक सुंदरी आ जाती है। ये सुंदरी कोई और नहीं, लंकापति रावण की बहन शूर्पनखा है। अब आगे की कथा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में। चकाचौंधसी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वदनी बाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल वल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग जगते थे। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दृगों से झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही। किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी, भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। कटिके नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो जो लहरों से लोल कमल भौरों के साथ। दायां हाथ लिए था सुरभित चित्र विचित्र सुमन माला, टांग धनुष की कल्पलता पर मनसज ने झूला डाला। पर संदेह दोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। पड़े विचार चक्र में थे वे कहां न जाने कूल रहा, आज जागृत स्वप्न शाल यह कैसा सम्मुख फूल रहा। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली, रमणी की मूरत मनोज्ञ थी किंतु न थी सूरत भोली। शूरवीर होकर अबला को देख सुभग तुम थकित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं। संभल गए थे तब तक लक्ष्मण, वे थोड़े से मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाए। सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देख यहाँ, ढलती रात अकेली बाला निकल पड़ी तुम कौन कहाँ। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निस्संदेह निरखती हो। पर मैं ही यदि पर नारी से पहले संभाषण करता, तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की सुधर्म परता। जो हो पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है, चंडी क्या कहूँ तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है। माता पिता और पत्नी की धन की धरा धाम की भी, मुझे न कुछ भी ममता व्यापी जीवन परंपरा की भी। एक किंतु उन बातों से क्या, फिर भी हूँ मैं परम सुखी, ममता तो महिलाओं में ही होती है हे मंजुमुखी। शूरवीर कहकर भी मुझको तुम जो भीरु बताती हो, इससे सूक्ष्म दर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, प्रमदे तुम्हें देख वन में यो मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ। वन देवी समझू तो वह तो होती है भोली भाली, तुम्ही बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। केवल इतना कि तुम कौन हो, बोली वह हा निष्ठुर कांत, यह भी नहीं चाहती हो क्या कैसे हो मेरा मन शांत। मुझे जान पड़ता है तुमसे आज चली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूँ जब तक क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि ही अपना, कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या। पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया अधर दंशन रमणी ने, लक्ष्मण फिर भी मुस्काए, मुस्का कर ही बोले उससे हे शुभ मूर्तिमयी माए। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो एक अकिंचन जन हूँ मैं, क्या आतिथ्य करूँ लज्जित हूँ वनवासी निर्धन हूँ मैं। रमणी ने फिर कहा कि मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, जो धन तुम्हें दिया है विधि ने देवों को भी नहीं दिया। किंतु विराग भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्नाभरण वार दो तुम पर मैं ये बड़भागी। धारण करूं योग तुम साही भोग लालसा के कारण, पर कर सकती हूँ मैं यूं ही विपुल विघ्न बाधा वारण। इस व्रत में किस इच्छा से तुम व्रती हुए हो बतलाओ, मुझ में वह सामर्थ है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ। धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभाग, शासक भूप बनो तुम उसके त्यागो यह अति विषम विराग। और किसी दुर्जय वैरी से लेना है तुमको प्रतिशोध, तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नलसा मेरा क्रोध। प्रेम पिपासु किसी कामता के तपस्कूप यदि खनते हो, सचमुच ही तुम भोले हो क्यों मन को यूं हनते हो। अरे कौन है वार न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण, खाओ इसे न यूं ही हा हा करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भारसा देता हो यदि तुमको ग्लानी, तो अब मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर दो दानी।
लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य, ललना सुलभ सहानुभूति है, निश्चय तुम में नृपकन्या साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई मुझे अभाव नहीं। तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते हो तुम इस वय में, पर क्या पाप न होगा तुमको आश्रम के धर्मक्षय में, मान लो कि वह न हो किंतु इस तप का फल तो होगा ही, फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या न जाएगा होगा ही। वृक्ष लगाने की इच्छा तो कितने ही जन रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं क्या वे उन्हें न चखते हैं। लक्ष्मण अब हंस पड़े और यूं कहने लगे, दुहाई है, सेत मेत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है, यूं ही यदि तप का फल पाऊं तो मैं इसे न चखूंगा, तुमसे जन के लिए यत्न से उसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी फिर बोली, यदि वह फल मैं ही हूं तो क्या करो बताओ, बस अब क्यों अमूल्य अवसर खोऊं, तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा, सहज परंतु नहीं यह काम, मैंने खोज लिया है उसको यद्यपि नहीं जानती नाम, फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौंके लक्ष्मण, बोले कौन, केवल तुम, कहकर रमणी भी हुई तनिक लज्जित हो मौन। पाप शांत हो, पाप शांत हो, कि मैं विवाहित हूँ वाले, पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो धाराओं वाले, नर कृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर, तो नारियां शास्त्र रचना कर क्या बहुपति का करें विधान, पर उसके सतित्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक ओर है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी, नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूँ मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं, बहु विवाह विभ्राट क्या कहूँ भद्रे मुझको क्षमा करो, तुम कुशला हो किसी कृति को करो कहीं कृतकृत्य वरो, पर किस मन से वरूं किसी को, वह तो तुमसे हरा गया, चोरी का अपराध और भी लो यह मुझ पर धरा गया, झूठा प्रश्न किया प्रमदे ने और कहा मेरा मन हाय, निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय, कह सकते हो तुम कि चंद्र का दोष कौन जो ठगा चकोर, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर, दीप्ति दिखाता यदि न दीप तो जलता कैसे कूद पतंग, वाद्य मुग्ध करके ही फिर क्या व्याध पकड़ता नहीं कुरंग, लेकर इतना रूप कहो तुम दीख पड़े क्यों मुझे छली, चले प्रभात वात फिर भी क्या खिले न कोमल कमल कली, कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण हे विलक्षणे ठहरो तुम, पवनाधीन पताका सी यूं जिधर तिधर मत ठहरो तुम, जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके शील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी, उत्तर देती हुई कामिनी बोली अंग शिथिल करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम हाय हृदय हर के, अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम, प्रेम पात्र का क्या देखेंगी प्रिय है जिन्हें लेखती हम, रात बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम, प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, हा नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं है यह है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह, विष से भरी वासना है यह सुधा पूर्ण यह प्रीति नहीं, रीति नहीं अनरीति और यह अति अनीति है नीति नहीं, आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से, झांक न झंझा के झोंके में झुक कर खुले झरोखे से, शांति नहीं देगी तुझको यह मृग तृष्णा करती है क्रांति, सावधान हो मैं पर नर हूँ छोड़ भावना की यह भ्रांति। इसी समय पौफटी पुरु में पलटा प्रकृति पटी का रंग, किरण कंटकों से श्यामांबर फटा दिवा के दम के अंग, कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूषा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी, आहा अम्बरस्था उषा भी इतनी शुचि स्फूर्ति न थी, अवनी की उषा सजीव थी अम्बर की सी मूर्ति न थी, वह मुख देख पांडुसा पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, लक्ष्मण के मुख पर भी लज्जा लेने लगी अपूर्व हिलोर, चौंक पड़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को, कुमुदवती सी दबी देख वह उस पद्मिनी पुनीता को, एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी विगताडंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी विगताडंबर में। शूर्पनखा और लक्ष्मण का संवाद चल ही रहा था कि सुबह हो जाती है और माता सीता जाग जाती है। अब इस काव्य के अगले भाग में भाभी सीता अपने प्रिय देवर की चुटकी लेती है और यहाँ देवर और भाभी का एक मनहर संवाद है, तो बहुत जल्द मैं इसका अगला भाग लेकर आऊंगा। तब तक यदि आप चाहें तो दाएं वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करके गुप्त जी के एक और प्रसिद्ध खंड काव्य जयद्रथ वध का पाठ सुन सकते हैं।
और ऐसे ही और भी साहित्यिक वीडियोस के लिए आप चाहें तो अपने इस माइंडी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कोई विशेष शुल्क नहीं लगने वाला है। धन्यवाद।